हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम फिर से एक नई रेसिपी के साथ आए हैं, जिसमें आज आप बनाने वाले हैं आपके लिए हम गोभी के पराठे, जो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। और सीज़न के हिसाब से अब गोभी भी बहुत अच्छी आ रही है, तो आप गोभी के पराठे बना सकते हैं। तो हमने ये दो छोटे फूल गोभी के ले लिए हैं, जिसमें हमने नीचे की डंठल इसको कट कर दी और इसको अच्छे से वॉश करके रख दिया। अब हम इसको अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे। और इसी में आधा छोटा चम्मच नमक डाल के हम इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जितना भी गोभी के अंदर मॉइस्चर होगा, पानी होगा, वो सब गोभी में से अच्छे से निकल जाएगा और आपके पराठे फिर फटेंगे नहीं। तो हमारे 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको अच्छे से निचोड़ के पानी को अलग कर देंगे गोभी से। चाहे तो आप हैंकी में भी इसको निकाल के कर सकते हैं, तो हैंकी से कर लीजिए तो आपका पानी उसमें भी निकल जाएगा। तो ये देखिए कितना सारा पानी निकला है। अब इसी गोभी के अंदर हम जो हमने प्याज और मिर्च काटी थी उसको भी हम इसी में ऐड कर देंगे। इतने हम इधर अपना आटा लगा लेते हैं पराठे के लिए। हमने एक बड़ा बाउल आटा ले लिया है और इसी में हम आधा चम्मच नमक डाल रहे हैं। आटे को जब भी आप पराठों के लिए गूंथें तो थोड़ा पराठों के लिए आटे को नरम ही गूंथना चाहिए, क्योंकि इसमें फिलिंग करने के बाद पराठा अच्छे से फैल जाना चाहिए। अगर हम थोड़ा सा टाइट रखेंगे तो पराठे हमारे फट जाएंगे और फीलिंग बाहर आने लगेगी। तो इसलिए पराठों के लिए थोड़ा सा आप नरम आटा गूंथें और पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करिए। जितना आटा आप अच्छे से गूंथेंगे पराठे, रोटी आपकी उतनी ही अच्छी बनती हैं, फूली फूली। तो अभी हमारा आटा गूंथ चुका है, तो इसको हम अलग रेस्ट के लिए छोड़ देंगे कम से कम 10 मिनट के लिए। इधर हम मसाले ऐड कर देते हैं। इसमें हमने डाला है आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच से भी कम है नमक लेना है, क्योंकि नमक हम पहले भी डाल चुके हैं, और आधा चम्मच ही हमने मिर्च लेनी है। इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने एक पैन ले लिया है, उसमें हमने आधा चम्मच घी ले लिया जो अच्छे से गर्म हो गया है। तो उसी में हमें जीरा डाल देना है आधा चम्मच से भी कम। तो जब तक हमारा जीरा फूल ना जाए, भुन ना जाए, उसको हम लो फ्लेम पर ही ऐसे ही पकाना है। इधर जीरा भी हमारा हो गया है, जो हमने अपना गोभी का पेस्ट, जो अपने हमने गोभी की फिलिंग तैयार करी थी, तो उसको हम पैन में अच्छे से हमें 5 मिनट के लिए अच्छे से पकाना है। जो भी उसका मॉइस्चर होगा वो सब निकल जाएगा, जो हल्का फुल्का पानी होता है वो सूख जाएगा, और फिर हमारे पराठे फटने का डर नहीं रहेगा और पराठे हमारे अच्छे ही बनेंगे। और इस तरह से बनाएंगे तो आपके पराठों का स्वाद और अच्छा बनेगा। इसमें मैंने हल्की सी लाल मिर्च और ऐड करी है, क्योंकि मुझको कम लग रही थी। तो इसी तरह से हम 5 मिनट के लिए इसको अच्छे से पका लेंगे। इसका मॉइस्चर बिल्कुल निकल जाना चाहिए। तो अब हमारी गोभी एकदम तैयार है, इसको हम अलग बाउल में निकाल लेते हैं और थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। इधर हमारा आटा भी एकदम परफेक्ट सेट हो चुका है। देखिए एकदम ये पराठों के लिए हमारा आटा एकदम सही है, ना ही वो सख्त है ना ही एकदम लूज है। तो चलिए बनाने स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए तो हम पराठे बनाने स्टार्ट करते हैं।
तो पराठे हम हल्के ही बना रहे हैं, तो उस हिसाब से ही हमने लोई ली है। जो डो हम बनाएंगे उसको हल्का सा हम बेलन से छोटी सी रोटी बनाएंगे जिसमें हम फिलिंग करेंगे। जिस हिसाब से आपने डो ली है उसी हिसाब से आपको फिलिंग करनी है। अगर आप फिलिंग ज़्यादा कर देंगे तो आपके पराठे फटेंगे ही। तो इस तरह से आपको इसको लॉक कर देना है। और अब इसको हल्के हाथ से ही आपको बेलना है। एकदम सख्त आग से बेलेंगे तो पराठे आपके फटने का डर रहेगा। तो हल्के हाथ से ही आपको बेलना है ताकि आपके पराठे ना फटें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करिए। तो इसी तरह से हम हल्के हल्के हाथों से अच्छे से इसको बेल लेंगे। पराठा हमारा एकदम परफेक्ट बिल चुका है। इधर हमारा पैन भी गर्म हो चुका है। हल्का सा ऑयल लगा देंगे ताकि हमारा पराठा चिपके ना और अच्छे से सिक जाए। जब ये दोनों साइड से सिकेगा तभी आपको ऑयल लगाना है। और पराठे का आपको लो फ्लेम पर ही पकाना है। इससे आपके पराठे अच्छे से अंदर तक सिक भी जाएंगे और कुरकुरे हो जाएंगे, क्रिस्पी लगेंगे, खाने में अच्छे लगेंगे। ऊपर से अब हम ऑयल लगाते हैं और गैस को हम लो फ्लेम पर ही रखेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो ये हमारा क्रिस्पी पराठा एकदम बनके रेडी है। तो आप इसको रायते के साथ खा सकते हैं। यहाँ पर मैंने मिक्स वेजिटेबल रायता बनाया है। आप चाहे तो सिंपल दही के साथ भी ले सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक